हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किचन टिप्स। यह है इलायची, इसको हमने पीसकर पाउडर बना लिया है और ऊपर के छिलके को निकाल लेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। इलायची के पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर करेंगे। इलायची के छिलकों को हम शक्कर के डब्बे में डालेंगे। शक्कर के डब्बे को अच्छे से धोकर सुखा लें और स्पून को भी अच्छे से साफ कर लें। सबसे पहले इलायची के छिलकों को डालेंगे, फिर ऊपर से शक्कर डालेंगे। इसे ऐसा करने से आप शक्कर जिस भी चीज़ में डालेंगे वो बहुत लजीज बनेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और चीटियां नहीं लगेगी आपके शक्कर में। ये देखिए, शक्कर डालेंगे, उसके बाद फिर से इलायची पाउडर। ऊपर से इलायची डाल देंगे, इलायची के छिलके, और डब्बे को अच्छे से बंद कर देंगे। हमारी अगली टिप्स है, हम किचन में एक छोटी बाल्टी रखेंगे किचन की सफाई के लिए। अरे, किचन वाइप है, मैं आपको किचन के गैस चूल्हा साफ करके दिखा देती हूँ। सफाई करके बार बार नल के नीचे किचन वाइप धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफाई आसानी से हो जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा छोटी सी बाल्टी से। ये देखिए, किचन वाइप से गैस बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। आपका काम बहुत अच्छे से आसान हो जाएगा। ये देखिए, अगली टिप है, बाल्टी में जब आप बाल्टी साइड में रखें, जब शाम को आप कुकिंग कर रहे हो तो एक पॉलीथीन बैग ले, उस बाल्टी में लगा दें, और जब आप सब्जियां काटने बैठे तो इसको अपने साथ रखें। आपकी सब्जी के छिलके यहाँ वहाँ नहीं फैलेंगे, आप इसमें जो भी चीज़ हो इसमें डालती रहें। फिर इसका पाउच बना के इसको डस्टबिन में डाल दें। फिर अगली टिप है, बारिश में नमक ख़राब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपचिपापन हो जाता है, हम इसको स्टोर कैसे करेंगे वो जानेंगे। कंटेनर को अच्छे से धोकर साफ़ कर ले और पोंछ ले। ये हमारे पास लो सोडियम नमक है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम डब्बे के अंदर थोड़ा कुछ चावल के दाने डालेंगे जिससे नमक चिपकेगा नहीं, लंबे समय तक अच्छा रहेगा। चम्मच को भी अच्छे से सुखा लें। अब एयरटाइट डब्बे को अच्छे से बंद कर दें टाइट, और हम सीखेंगे आज ग्रेन को कैसे स्टोर करें। चना हो, चना दाल हो, मूंग, राजमा, हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे ताकि इसमें कीड़े ना लगे
आप चाहें तो नीम की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीम की पत्ती अवेलेबल नहीं है तो हम कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत कड़वा होता है जिससे कीड़े नहीं लगेंगे। सबको एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से टाइट ढक्कन बंद कर लेंगे। ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा और हम सीखेंगे आटा स्टोर कैसे करें। ये हमारे पास पुराना आटा है पहले का, इसको पहले एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इस डिब्बे को अच्छे से धो लेंगे और पोंछ कर सुखा लेंगे। डिब्बे को हमने धो लिया है, पोंछ कर अच्छे से सुखा लिया है। अब इसमें आटा डालेंगे। आटा डालते वक्त पंखा बंद कर दें, नहीं तो आटा यहाँ वहाँ फैल जाएगा। हमने आटा रख दिया है, अब ये पहले का आटा है, इसको इसमें मिक्स नहीं करेंगे। इसको एक छोटे से बर्तन में रख के इसको स्टोर करेंगे, अगली बार जब रोटी बनाएंगे तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब ढक्कन को अच्छे से टाइट बंद कर देंगे। हमारे पास लकड़ी का स्पैचुला होता है, चम्मच, जो बारिश में ख़राब होने लगता है, फंगल्स लगने लगते हैं। इसको अच्छे से कैसे रखें साफ। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं, पहले अच्छे से धो लेंगे, साबुन लगा के अच्छे से साफ कर लेंगे घिस के। जो चीज़ें हमें यूज़ नहीं हो, ग्रेन्स का पाउच हो, हमें यूज़ नहीं, उसे एक बास्केट में करके रख देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी किचन में होती है पाउच, छोटे छोटे पाउच होते हैं, उन्हें हम कैसे स्टोर करें। चलिए हम स्टोर करते हैं। एक छोटा बास्केट लेंगे जिसमें शेल्फ बहुत सारे बने हैं, खाने बने हुए हैं। ये देखिए ग्रीन टी, इसको हम स्टोर करेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस में। ये ग्रीन कॉफ़ी है, इसको अलग बॉक्स में रखेंगे। ये बड़े पाउच है सूप पैकेट, इसको पीछे रखेंगे। ये कॉफ़ी पाउडर है, इसको भी अलग रखेंगे। देखिए हमारा स्टोर हो चुका अच्छे से सैसे पैकेट। और ये है कैंची, हमें किचन में कैंची रखना चाहिए, ये बहुत यूज़फुल होता है।
और हरी मिर्ची काटने के लिए तो और भी अच्छा होता है। इसे हरी मिर्ची काटते वक्त आपके हाथ में नहीं लगेंगे, जिससे आपके चेहरे पे जलन होती है, हाथ में जलन होती है, वो चीज़ नहीं होगी। ये देखिए कितना आसान है सब कुछ काटना है। अभी हम नए स्टोरेज सीखेंगे, चने को कैसे स्टोर करें। चने को डब्बे में रख दें, यह हमारे पास लौंग है, लौंग से भी कीड़े नहीं लगते, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। इसको डब्बे में डाल देंगे और ढक्कन टाइट बंद कर देंगे। चारों कोने हमने मोड़ लिए हैं। अब इसमें स्टेपलर मार दें, चाहे वो ताकि वो फिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा बॉक्स तैयार हो गया है, उसमें छोटी बॉटल्स को, एसेंस को स्टोर करेंगे। ये देखिए अच्छे से स्टोर हो गया है। ये थी हमारी कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे अगली कुछ टिप्स के साथ, किचन टिप्स के साथ मिलेंगे।